मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए बैंकों से धन जुटाने समेत कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना का बैंकों के माध्यम से इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 12,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। इसके लिए बैंकों से इसके लिए लोन और ऋण लेने की बात की। इसके अंदर पंजाब नेशनल बैंक ने हम लोगों को 7,800 करोड़ धनराशि का उन्होंने क्लोजर किया दिया भी था क्लोजर भी था। फिर जो बाकी धनराशि थी उसके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक ने अलग अलग 1,000 करोड़। लेकिन अब बैंक ऑफ बड़ौदा से विजया बैंक का विलय हो गया, मर्जर हुआ। विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा से मर्जर हुआ है तो उसके लिए हिल रोड जहाँ नाम में हमने सॉल्व आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आकाश, 6 अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, कौन कौन से हैं वो 6 प्रस्ताव? आकाश मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? आकाश क्या आप आवाज सुन पा रहे हैं? देखिए रन्ना, जो 6 प्रस्ताव है उसमें जो मेन बिंदु की अगर बात करें तो वो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के जो वित्त संबंधी प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा था वो आज यहाँ पर पास हो गया है, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा और विजया बैंक का जो विलय हुआ है, वहां से जो लोन पास हुआ था 1,000 करोड़ का, उन दोनों बैंकों के मर्जर होने के बाद उसका अनुमोदन कर दिया गया है। 2,000 करोड़ रुपए जो है इस एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए जो है यहाँ पे आज उसको जारी करने के लिए मोहर लग गई है। सिविल प्रक्रिया की जो धारा 102 और 115 उसमें संशोधन कर दिया गया है और जिला न्यायाधीश के साथ साथ एडिशनल जज भी अब कई मामलों की सुनवाई करेंगे, जिसमें जो ये जो धारा है 102 और 115 जिसमें संशोधन किया गया है। ईएसआई और जीपीएफ में रजिस्टर्ड प्रेस कर सकेंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो कि जनहित में काफी उपयोगी है और सरकारी जो प्रिंटिंग है उनके कार्य में सरकारी के साथ साथ ई टेंडिंग के जरिए निजी प्रेस भी शामिल किए जाएंगे। तो मतलब कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी शुरुआत की गई है और कई ऐसे कार्य हैं जिनको जो है इस प्रस्ताव में अनुमोदन दिया गया है, जिससे जनहित में जो चीजें होंगी वो आगे अग्रसर होंगी। जी आकाश, योगी कैबिनेट की बैठक में फोकस किन बिंदुओं पर रहा? देखिए फोकस की अगर बात करें कैबिनेट बैठक की तो सबसे बड़े 12,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, उसका 2,000 करोड़ रुपए जो जारी होने के प्रस्ताव वाला था, ये सबसे अहम प्रोजेक्ट है, ये सबसे मेन है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे क्योंकि अभी योगी सरकार जो है कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ रही है और इसमें जो पूर्वांचल की जो विकास की बयार है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की उसकी शुरुआत के बाद में जो है गंगा एक्सप्रेसवे की भी शुरुआत होनी है, जो कि योगी आदित्यनाथ ने जो है जब कैबिनेट की बैठक कुंभ में की थी जो है जब वहां पे उन्होंने उसकी घोषणा की थी। जी इसके साथ ही अगर हम बात करें कैबिनेट की अगली बैठक की तो कोई दिन निर्धारित हुआ है अगली कैबिनेट की बैठक कब होगी? देखिए मैं रन्ना बताना चाहूंगा कि हर मंगलवार को यहाँ पर लखनऊ में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक होती है और हर मंगलवार को नई नई चीजें कैबिनेट के प्रस्तावों में मंजूर की जाती हैं, तो इससे प्रदेश के विकास को एक गति मिल रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो कैबिनेट इसमें छूट जाते हैं प्रस्ताव वो अगले कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव के माध्यम से उनको पूरा कर दिया जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम बातचीत के लिए।